नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वाले पर। दोस्तों, आरआरबी एएलपी के अंदर आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो कल अपडेट कर दिया गया है। रिवाइज रिजल्ट कल अपडेट करने के बाद आप लोगों की कट ऑफ के ऊपर बात आ जाती है कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, जो नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ाए गए हैं, जो पहले से ही पता था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आरआरबी ग्रुप डी में जो हुआ कि कट ऑफ उसकी बहुत ऊपर चली गई, इसी तरीके से इसकी कट ऑफ भी ऊपर जाने वाली है। लेकिन लोको पायलट पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। लोको पायलट की कट ऑफ जैसी पहले बताई गई थी उससे कुछ थोड़ी सी ही ज़्यादा जाने वाली है। क्यों, आप लोगों को बता दें, लोको पायलट में एक और पेपर होने वाला है जो आपका साइको का पेपर होगा, उसके बेस पर आपको लोको पायलट की भर्ती मिलेगी। आप लोगों लोको पायलट की भर्ती कंप्लीट होगी तो उसके लिए कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाने वाली है। और टेक्नीशियन और अगर आप पीजीएम वालों की बात करें तो आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है। इस वीडियो में पर्टिकुलरली लोको पायलट की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी लोको पायलट की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो आप लोगों को बता दें, जो लोको पायलट कट ऑफ है वो आप लोगों को सिर्फ बीटेक और आईटीआई वाले ही कैंडिडेट दे सकते थे, यानी कि स्पेशल जिन्होंने लोको पायलट के लिए अप्लाई किया है। तो आप लोगों को बता दें, लोको पायलट की जो कट उसका जो डिस्कशन किया गया, उसका जो रिजल्ट आया है वो पूरा देख के आया है कि आप लोगों की पहले ही कट ऑफ जो बनाई गई थी मेरे द्वारा, उस कट ऑफ को हमने बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया है नॉर्मलाइजेशन के बाद। आप लोगों को बता दें, जो कट ऑफ थी वो इतनी नहीं थी कि आपकी नॉर्मलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाए एग्जाम में। तो आप लोगों को बता दें कि आपके जो यूआर के कैंडिडेट अगर आपके 60 से प्लस बन रहे हैं तो आप 100% सोच सकते हैं लोको पायलट के लिए। ये जो कट ऑफ है 100% आप इसके इससे मार्क्स बन रहे हैं तो आप 100% सोच सकते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो कट ऑफ है वो एकदम स्टीक है, 60 से ऊपर मार्क्स हैं। तो आप एकदम सोच लीजिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप लोगों के 58 या 57 मार्क्स हैं ओबीसी में तो आप 100% अपने सिलेक्शन के बारे में सोच लीजिए, आप अपने सिलेक्शन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 50 आप एससी में समझ सकते हैं और 45 आप एसटी में। तो ये कट ऑफ बताई गई है आपको 45 एसटी की, 50 एससी की, 57 या फिर 55 तक भी ओबीसी हो सकता है और 60 आपकी यूआर के लिए। अगर इससे में आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप 100% सिलेक्शन की तैयारी कर लीजिए और अपने साइको की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर आप साइको की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आप कितने भी मार्क्स हो आप रह जाओगे सिलेक्शन में। तो आप लोग देख लीजिए, आप साइको की प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आप लोगों के मार्क्स कुछ इस तरीके से बनते हैं जैसा बताया गया है, 60 मार्क्स और 55 से 57 मार्क्स ओबीसी में, और आप लोगों को बता दें इसके अंदर आपको 50 मार्क्स एससी के अंदर और 45 मार्क्स आपके एसटी में बन रहे हैं, ये जो कट ऑफ है आपको लोको पायलट के लिए प्रोवाइड की गई है, आप लोग इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप 100% साइको की प्रिपरेशन कीजिए। CBT2 आपका क्लियर होना चाहिए, CBT2 के अंदर जो स्टेज 2 है वो आपका क्लियर होना चाहिए, जिसके अंदर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको CBT2 के अंदर पार्ट ए में आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो वो आपको क्वालिफाई चाहिए और बाकी ये जो आपके कट ऑफ आपके CBT2 पार्ट ए में बन रहे हैं तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।